वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। अरे खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले, अरे काबा यूपी में काबा। उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर, भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन के यूपी में सब्बा के बाद यूपी में काबा गाने को लेकर चर्चा में आई थी। इसके बाद यूपी में योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी उनके वायरल गाने का सहारा लिया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गाना सुनते हुए नजर आए। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा गाने के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में आई तो ट्रोल भी हुई। इस गाने का दूसरा पार्ट भी आया। अब नेहा सिंह ने अपने नए वीडियो में सरकार को घेरा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर सरकार पर जमकर वार किए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरे सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है। वो नहीं चाहती कि जनता और सरकार के बीच सीधा सवाल जवाब हो, तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। अब आप लोगों को भी पता है, चारण कवियों का एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे कवि, ऐसे गायक राजा के चरणों में बैठकर कुछ सिक्कों के लिए, कुछ इनामों के लिए इनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं। तो वो वक्त तो बदल गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और अभी वही हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक लोक कवि, एक जन कवि, एक लोक गायक वो जो जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछे। नेहा सिंह राठौर वही काम कर रही है, जबकि चारण, भाट, दरबारी कवि सरकार की ओर से जनता को जवाब दे रहे हैं। तो जनता को बहुत विवेक से काम लेने का टाइम आ गया है। हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से ठीक पहले का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है सरकारों के ऊपर। ये वही टाइम है जब आप अपनी नाराजगी सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें बता सकते हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, या फिर आपको किस तरह की परेशानी है आप सारी चीजें बता सकते हैं और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, इस ऐसे संवेदनशील टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, ऐसे जरूरी मौके पर भी इन भाटों ने जनता को भ्रमित कर रखा है और सरकार के बोल बोल रहे हैं। और सिंपल सा इसका मतलब है, सरकार के बोल बोलने मतलब कवियों को, पत्रकारों को, गायकों को सरकार के बोल बोलने का सीधा सा मतलब है कि भैया सरकार हमसे खुश हो जाएगी तो हमको कोई सरकारी पद दिला देगी, हमको कोई सरकारी पुरस्कार दिला देगी। पर ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। जिस जनता ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, सुपरस्टार बनाया है, इसलिए ताकि आप बड़े लेवल पे जाके सरकार के बोल बोलेंगे। जनता इसे हमेशा याद रखेगी। पता नहीं इनको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि असल जो सम्मान है वो तामपत्र और शॉल पा जाने में नहीं है, वो जनता के हृदय में जगह बनाने में है। तो ये बहुत जरूरी टाइम है उत्तर प्रदेश के लिए, ये बहुत जरूरी टाइम है। उत्तर प्रदेश की जनता उठो, जागो और इन दरबारी कवियों, इन भाटों के चक्कर में ना पड़ो यार। सरकार भी यही चाहती है, सरकार यही चाहती है कि मेरे सवालों को भूलकर जनता इन दरबारी गायकों की फर्जी कविताओं में उलझा रह जाए। और यही हो रहा है, जनता काफी भ्रमित भी हो रही है। वो इनका उनका डिबेट सुन रही है, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने काबा पूछा, उन्होंने बाबा कहा, क्या क्या दुनिया जहान। सरकार से सवाल पूछो, इन दरबारी कवियों और भाटों के फर्जी सवालों को ना और फर्जी जवाबों को नजरअंदाज करो, सवाल पूछो। सरकार चुनने का मौका आया है ना। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए नेहा ने लिखा, सरकार मेरी आवाज दबाना चाहती है, दरबारी कवियों और गायकों की फौज अपने काम पर लगी है, ये दरबारी गायक सरकार के चमचे और जनता के दुश्मन हैं, जनता इन्हें खुद जवाब दे रही है। इसके अलावा नेहा ने गाने का तीसरा वर्जन आने की भी बात कही है। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।